हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज दोबारा से आ चुका हूँ, असली अज्जू और नकली अज्जू हो रखा है बीमार। तो चलिए नकली अज्जू के पास जाते हैं। नकली अज्जू की बेचारे की हालत टाइट हो रखी है। ये देखो, अभी तेल की मालिश हो रही है। ओहो, भारी पड़ गया बेचारे को। दिल्ली से आना भारी पड़ गया, दिल्ली जाना। तो गाइस देखो, यहाँ मालिश हो रही है और ये सुबह से सोया हुआ है। ताई जी कह रही थी एक बार सिर्फ बाहर आया था हाथ मुंह धोने के लिए, बस फिर सोया था बेचारा। नकली अज्जू, नकली बनना भारी पड़ गया अब इसको, क्या करें, असली तो हम ही हैं। और अभी हो रखा है टाइम 10 बजा है और देखो बाहर बिल्कुल धूप आ रखी है, धूप में बैठा है। नहीं तो अभी तक भी अंदर ही सोया हुआ था ये। गाइस अब जल्दी से नकली अज्जू के लिए हम ले जाते हैं रोटी। तो देखो यहाँ पे रोटी, देखो क्या क्या है, मैं दिखाती हूँ आपको। सूखी सब्जी है, छाछ की सब्जी है और ये रोटी है। तो चल चल से ले जाते हैं, चलो 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 चलो। गाइस अभी हो रही है आमा की भी मालिश। तो देखो ये देखो वहाँ बैठी है। हेलो हेलो बोल, हेलो बोल दे। हेलो 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 हेलो। देखो ताई जी कर रही है अभी आमा। ओली ओली। अभी आमा ने बुलाया था ताई जी को, तो ताई जी ऊपर से सीधे सीधे यहाँ आई और यहाँ पानी हानी रख रखा है। ये देखो पानी इसलिए रख रखा है क्योंकि अभी आमा का इनका नाम पूरा है पूरा। और आमा का नाम आज हमें पता चल जा गया है, आमा का नाम है पूरा। तो आज से आमा का नाम पड़ा पूरा। तो चलो फिर जल्दी जल्दी से पूरा आम आप कमेंट करो और देखो। गाइस आमा को भी मतलब पहले नहला दिया था और अभी मतलब तेल वेल मालिश करना वो हो गया था। तो ताई जी ने सब कुछ कर दिया है और मैंने यहाँ तो फ़ोन पकड़ा है और ताई जी ने सब कुछ कर दिया है, मुँह धो दिया है और यहाँ देखते हैं यहाँ का क्या सीन। आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है और ये महापुरुष जाके आए हैं दिल्ली, तो फिर लग जाएगी इनको वहाँ की बिल्ली। चुप, ये देखो फोटो बन गई है तुम्हारी। यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तुम्हारी फोटो भी आ रही है, तुम्हारी आ रही है फोटो, तुम्हारी यहाँ दिख रही है तभी आ रही है। तन्नू हाय, हाय तन्नू। अब मम्मी कहाँ गई, मम्मी की भी फोटो बनाऊंगी इसी में। अरे मम्मी कहाँ गई, मम्मा इधर को देख, सबकी फोटो बना रहा है वो, देख सकते हो यहाँ है घर और कैसे लग रही है, सब कुछ दिख रहा है आपको। चलो बाय, कल को करेंगे, आज जा रहे हैं। ये ऊपर को मुगर वो दिखा रही हूँ, ये इधर से। हेलो, क्या कर रही है? उधर से बन रही है कि नहीं? बन रही है, बन रही है, इसमें बैठ नहीं है। कैसे दिख, जल्दी आ, वीडियो बन रही है तेरी, जल्दी आ। हेलो गाइस, देख ले चुप चुप क्या आ रहा है।
हेलो गाइस हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो पे। यार कल वाली वीडियो में देखा कि आपने मेरी आदत कैसी थी, और मम्मी ने दिन भर मतलब एक डेढ़ घंटे तक यार पता नहीं कैसे मसाज कर दी नॉन स्टॉप। भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो 5 मिनट में हाथ में दर्द हो जाते कि इसकी मसाज करूँ तो, है ना। अभी जो है कि ना कल रात देख रहा था जितने भी लक्षण है ना भाई, सूखी खांसी, बुखार, पूरे शरीर में कमी पड़ना और पूरा शरीर टूटना, ये सारे लक्षण जो जो कोविड में होते हैं भाई, वो सारे लक्षण हैं। तो मैं अभी फिलहाल घर वाले से दूर हूँ और सोच रहा हूँ कि लोहागढ़ जा करके दिखा लाऊँ अपने आप को, जिससे कि जो भी दिक्कत होगी वो ठीक हो सके, है ना। तो अगर कोविड पॉजिटिव ना हो यार बस, है ना, यहाँ तो भयंकर सबको फैल जाएगा, मेरे को क्वारंटीन रहना पड़ेगा घर में। जैसे जैसे करके 2 रोटियाँ खाई हैं, कैसे खाई हैं मेरे को ही पता है, क्योंकि अपने आप को ठीक रखना है ना, तो अपने आप को मतलब हेल्थी रखना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे दवाई कम खाता हूँ, तभी खाता हूँ जब मतलब असहनीय हो जाता है, ठीक है। अभी गले में इतनी ख़तरनाक खराश है, बोलने में भी घोर है दर्द है, मतलब खराश हो रही है, और वो ख़तरनाक जैसे फट जा रहा है ना वैसा हो रहा है। बिल्कुल मिला किसी ने था कि कोशिश कर रहा हूँ भाई जाने की, है ना। वैसे तो हिम्मत नहीं है भाई उठने की भी, लेकिन जाना पड़ेगा वरना मैं पैदल नहीं चल पाऊँगा ऊपर को हॉस्पिटल, इसलिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ। देखो ओए वो निकाल यार, दस्ताने दे दे, दस्ताने दे, दस्ताने पैक हो जाता हूँ। इतना छोटा पड़ा है, इतना टाइम की बात है, जिन का छुट लिया खाल जिन का। अरे इससे करेंगे मौका इतना बता झड़ तल्ली जाए निकाल जा निकाल से छोड़ दे खाल श्याम आयो जबरदस्ती जानना। तो वही 11:30 हो चुका है और यहाँ से मैं निकल तो चुका हूँ, है ना, घर से, और लोहागढ़ मात्र 3 किलोमीटर बच रखा है। वही पहुंच चुके हैं लोहागढ़ हॉस्पिटल, और यहाँ भीड़ देखो यार, गजब की भीड़ हो रखी है। और यहाँ पे हमें मिल गया है प्रियांशु भाई, हेलो। तो थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद बढ़िया से वहाँ काउंटर है उस साइड पे, तो पर्ची कटाते हैं और चेकअप कराते हैं भाई क्या सीन है करके, है ना। तो भाई ये अपने पास ये पार्टनर अपने दिल्ली वाले, ये भी बीमार हो रखे हैं, मैं भी बीमार हो रखा हूँ, वहाँ से आती वहाँ की ठंड बहुत लग गई क्या सर। अरे भाई पूछा हालत खराब है भाई साहब, यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है ना इतनी भयंकर वाली, पता नहीं कब नंबर आता है यार, समझ में नहीं आ रहा है। और अनुदा को घर जाने क्यों रखे, क्यों जाना चाहते हो घर। दस्त लगे दस्त लगे भाई को, नहीं होगा भाई। देखते हैं भाई अंदर साइड क्या रिजल्ट निकलता है, इनका तो नॉर्मल है भाई, अब मैं चेक करा रहा हूँ। इतनी बड़ी गट्ठी लगा रखी है नंबर पर्चियों की, है ना, कैसा। यार ये बहुत आलसी है पता है, हर जगह आलस करते हैं। मैं सुबह आ गया था, मैंने इनको बोला था 10 बजे के हॉस्पिटल पहुँच जाना, लेकिन आदमी पता नहीं सोते रहते हैं। यार मैं तो पहुँच ही गया, मैं भी 1 घंटे वाला, कोई बात नहीं भाई। तो दोस्तों अभी ऐसा है कि मैं हॉस्पिटल से आ चुका था और उसके बाद सो गया, तो डॉक्टर ने यार पता नहीं सरकारी हॉस्पिटल का क्या सीन है, तो वहाँ गया, तो वहाँ जाके उन लोगों ने मेरे से पूछा कि मतलब क्या क्या है करके, मैंने बताया ऐसा ऐसा हो रहा है करके, वहाँ से आ रखा था उस दिन से हो रखा है। तो उनने कोई चेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, डायरेक्ट पर्ची में दवाई लिखी और उसके बाद दे दी। तो भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या हो रहा है करके, मतलब इस टाइप से यार काम नहीं होना चाहिए था। तो चलो जो भी है कोई बात नहीं, तो अभी फिलहाल हालत ठीक है मेरी, अच्छी है, तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो आप लोगों को नए नए वीडियोस और देखने को मिलेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बात कम मिलते हैं आपको नई वीडियो पे, तब तक ले टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।